Hello students, in this video we'll do map work number 1. So we'll do neighboring countries of India. ये हमारा इंडिया है, हम इसकी neighboring countries करेंगे. तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. ये हमारा इंडिया है. इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ भी हो गया और वेस्ट भी हो गया. तो नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. सेकेंडली, इंडिया के नॉर्थ में है चाइना, नेपाल एंड भूटान. इंडिया के नॉर्थ में है चाइना, नेपाल एंड भूटान. सो नेक्स्ट, इंडिया के ईस्ट में है बेटा म्यांमार एंड बांग्लादेश. सो दिस इज़ म्यांमार, दिस इज़ बांग्लादेश. ये हमारा ईस्ट है, ये इंडिया का ईस्ट है. सो ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश. उसके बाद इंडिया के साउथ में हम जाएंगे, दिस इज़ श्रीलंका एंड दीज आर मालदीव्स. श्रीलंका एंड मालदीव्स. सो ये हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. सो अभी हमने इनको लर्न करने के लिए मैंने की सेंटेंस बनाया है. दिस इज़ की सेंटेंस. और हम इसे कैसे याद करेंगे? श्री ने माल, माया, भू, बंगला, चाय, आपा को दी. अब हम इसे कैसे करेंगे? श्री मीन्स श्रीलंका, ने मीन्स नेपाल, माल मीन्स पैसा, पैसा, मालदीव्स, माया, माया भी पैसा ही होता है, माया. सो दिस इज़ योर म्यांमार. दिस इज़ भू, भू मतलब ज़मीन, भूटान. दिस इज़ बंगला, कोठी. दिस इज़ बांग्लादेश. चाय, सुबह शाम चाय पीते हम लोग, चाय. सो दिस इज़ योर चाइना. एंड हेयर आपा, आपा मतलब हम लोग को, आपा. सो आ मीन्स अफगानिस्तान, पा मीन्स पाकिस्तान. आपा को दी. वैसे जो कुछ भी दिया है भगवान ने हमें दिया. तो अगर आप ये की सेंटेंस लर्न करते हैं, श्री ने माल, माया, भू, बंगला, चाय, आपा को दी, तो आप इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज अच्छे ढंग से याद कर पाओगे. एंड हमें ये याद करना है कि इंडिया के नॉर्थ में कौन सी हैं, ईस्ट में कौन सी कंट्रीज़ हैं, देन साउथ में कौन सी कंट्रीज़ हैं और नॉर्थ वेस्ट में कौन सी कंट्री. बेटा SST को, SST को हमें हमेशा मैप से ज़रूर करना चाहिए. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स. थैंक यू, बाय बाय.